चेयर जैसी दाढ़ रखने वाले जो जम्मू कश्मीर के जो लीडरों में से गिना जाता है विकार रसूलवानी साहब, आज मेरे साथ खुसूसी बात करने के लिए मौजूद हैं। कुछ सवाल इनसे करूँगा और सवाल के जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। विकास साहब, सबसे पहले टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में आप इस वक्त दौरे पे हैं, मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके के हालात हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए, क्या बताएंगे इसको लेकर? जम्मू कश्मीर की जो सियासी हालात है वो बीजेपी ने तबाह और बर्बाद कर दिया जी। यहाँ 2014 में इलेक्शन हुए और अब 2023 नवंबर आ रहा है, 10 साल होने लगे और बीजेपी ने यहाँ की डेमोक्रेसी जो है उसको रोंद डाला है। यहाँ इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बना के रखी और जो हमारी स्टेट है उसको बर्बाद करके हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बना के इस वक्त इस पूरी स्टेट को लूट रहे हैं। यहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में हैं उनको लूट रहे हैं, यही सिचुएशन इस वक्त जम्मू कश्मीर। सर, इंडियन अलायंस की अगर बात करें, हाल ही में एक प्रोटेस्ट जम्मू के अंदर था, मगर उसमें कुछ लोग जो दिग्गज लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे वो मौजूद नहीं थे, क्या लगता है वो किनारा करने पे आए हैं या इंडियन अलायंस के साथ ही हो गए, क्या बताएंगे इसमें? नहीं, शायद आपने उस प्रोटेस्ट की रिपोर्टिंग नहीं की, वहाँ हजारों लोग थे। वहाँ देखो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उम्र दराज हैं, वो 87-88 एज के हैं, उनको आना था उस मीटिंग में, वो कोई सेहत की खराबी की वजह से नहीं आए, लेकिन उनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अजय शरोत्रा साहब, उनके एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, सैकड़ों में उनके वर्कर, पीडीपी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स, हर आदमी उस मीटिंग में मौजूद था। ये ज़रूरी नहीं होता है कि मैं जम्मू में प्रोटेस्ट करो और उसमें आके राहुल गांधी बैठ जाए या विकार रसूल बैठ जाए, वहाँ रमन बल्लाल साहब भी बैठ सकते हैं, वहाँ जनाबे वाला ताराचंद जी भी बैठ सकते हैं, कश्मीर में गुलाम मीर भी बैठ सकते हैं। इसका जरूरी थोड़ी है कि प्रोटेस्ट में विकार रसूल ही मौजूद हो। प्रोटेस्ट बहुत अच्छा हुआ, उसका प्रोपेगेंडा बनाया गया, इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ वैसे कहीं नहीं होता। विकार साहब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है ये कहते हैं कि इंडियन अलायंस को आने वाले इंतखाबात में लीडर्स नहीं मिलेंगे, कि हम किसको दें, क्या बताएंगे उसको लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको देखो देखो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ इस स्टेट को बर्बाद कर दिया, यहाँ बेरोजगारी बढ़ाई, यहाँ गरीबी बढ़ाई, यहाँ जो है लोगों को स्मार्ट मीटर लगाए, टैक्स पे टैक्स लगाए, टोल पे टोल लगाए, दरबार मुँह ख़त्म किया, ओल्ड एज पेंशन ख़त्म किया, डेली वेजरों को दरबदर किया। मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी की ऐसी हालत होगी जैसी उनकी करगिल में हुई। करगिल में वो हारे इलेक्शन, सुना रहा ना, जब मैं बीजेपी की हार की बात करता हूँ तब हम माइगी ले जाते हैं, इतना क्या प्यार है आपको। जो हालत उनकी करगिल में हुई वही हालत उनको पार्लियामेंट और असेंबली में हुई। उस वक्त मैं आपको दोबारा इंटरव्यू देने के लिए आऊंगा, बोलूंगा बाप भाई अब बताओ क्या हालत हुई जम्मू कश्मीर में इंतखाबात न कराने के, क्या भारतीय जनता पार्टी इस होप से है कि यहाँ जीतनी पड़ेगी या क्या कुछ आपको लग रहा है कि ये तो हवा में फेंकते हैं ना 50 बार, जब ये आएंगे तो ये 5 बार भी नहीं होंगे, तभी तो डर रहे हैं, तभी तो म्युनिसिपल इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, पंचायतों से भी भाग रहे हैं, असेंबली से तो 10 साल से भागे हुए हैं, तो पार्लियामेंट में इनको पता चलेगा 5 की 5 सीटें, 6 की 6 सीटें इंडिया अलायंस लेगी और 100% लेगी और लोग वोट देंगे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी कहती है 50 पार, आप क्या बताएंगे इसको? लखनपुर पार, हम बोलेंगे लखनपुर पार, वो कहीं होंगे, वो खत्म है कहानी। थैंक यू प्यारेलाल शाह जी, आपके बहुत बड़े दिग्गज नेता, बहुत पुराने अरसे से आपके साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी भी बनाया हाल ही में स्टेट का, क्या बताएंगे आने वाले इंतखाबात में, क्या ये असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं, अगर मेहनत जो यहाँ के JKPCC के स्टेट प्रेसिडेंट है खसूसी मुलाकात बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के दावे बोलती है वो आने वाले इंतखाबात में इनको साफ नजर आएगा, जिस तरीके से लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी को करारे हार का सामना करना पड़ेगा आने वाले इंतखाबात में, इसी तरीके से लोग जो है इन्हें आईना दिखाकर यहाँ से लखनपुर से बाहर कर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। बड़े बड़े बहुत जो है लोग आए हुए हैं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे और दो चार बातें जो है वो आपको मैं प्रोजेक्ट लाइन की जो है वो आपके सामने रखूंगा। मैं वाली साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, पिछले 8 साल जब आपका कोई प्रोग्राम होता है, वो जम्मू में हो, दिल्ली में हो, कश्मीर में हो या आपके यहाँ किश्तवाड़ में कहीं भी हो, हमारा पावर प्रोजेक्ट जो हमारा खासकर यहाँ का हमारा जो वर्कर है, हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर है, किरू में है, कवार में है, पक्कर में है, रटले में है,
बार बार उनके साथ जो है ना इंसाफी होती है, टाइमली उनको सैलरी नहीं है, उनका पीएफ का मसला है, उनका अपग्रेडेशन का मसला है, बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडिंग है। तो आपसे हमारी गुजारिश है सबसे पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे लीडर साहिबान इसके अलावा जो है हम लोग की कांग्रेस के साथ शाना बशाना चल रहे हैं उसका हमें बोलने का जो है अपनी बात रखने का जो है मौका मिला है, इसके लिए भी हम जो है अपनी पूरी लीडरशिप का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।